ये अभी लकड़ी का हम भैया स्टैंड बनाए हैं भैया मटका को बांधने के लिए भैया। लकड़ी बांध देना? हाँ भैया, लकड़ी को ऐसे करके बांध देना चाहिए ताकि अपन यहाँ बीच में मटका को लटका सकें। इसको इस प्रकार से अच्छा कस के बांध देते हैं भैया। ये भैया अच्छी तरीके से बंध गया भैया, स्टैंड अपना हो गया मजबूत भैया। मटका से भैया ये घड़ा से ताकि ये पूरे खेत में दवा फैलते जा रहे हैं भैया सिंचाई के साथ साथ। तो 5 या 10 मिनट के बाद बाद में भैया मटका का जो दवा है भैया उसको हिलाते रहना चाहिए भैया लकड़ी से भैया ऐसे। हाँ भैया, इस प्रकार से जो दवाई आपने बनाई है तो इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? हाँ भैया, इसमें ये सावधानियाँ रखना चाहिए भैया, ये लकड़ी से भैया इसके जो मटका में जो हमारे दवा है भैया उसको लकड़ी से हिलाना चाहिए भैया, हिलाते रहना चाहिए भैया। अच्छा। और एक चीज़ ये है भैया, एक सावधानी और है, अपन इसमें जो बाती लगाए हैं भैया मटका में, अच्छा, उससे बूंद का भैया टपकता है या नहीं टपकता उसको ध्यान देना चाहिए भैया। इससे क्या क्या लाभ है भैया? इससे ये लाभ है भैया, जो ज़मीन में दीमक का जो प्रभाव होता है भैया वो कम हो जाता है भैया, और का है पौधे अच्छी हष्ट पुष्ट होते हैं भैया, और इसका जो उत्पादन पैदावार है वो अधिक हो जाता है भैया, इससे ये लाभ है भैया। दीमक की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं आप जिस तरह से दवाई बनाए हैं भैया। हाँ भैया, तो और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? भैया मैं ये सोच रहा हूँ भैया, जैसे मैंने इस दवा को उपयोग किया भैया मेरे को तो लाभ समझ में आया, इसी प्रकार हमारे सभी किसान इसको उपयोग करें। अपना कीमती समय दिया भैया और इस दवाई को बनाकर भी दिखाई, इतना अच्छा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम भैया। राम राम भैया।